क्या है, एक कहानी है ना। और इसके जो लेखक है या कहानीकार है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद है ना। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है ना। तो उन्हें ना जैसे कि ईदगाह वगैरह कहानी पढ़े होंगे आपने है ना, या नहीं भी पढ़े तो आप देखिए आपका ये गुल्ली डंडा जो पार्ट है ये प्रेमचंद जी का लिखा गया है। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है ना। हिंदी भी लिखते थे वो और उर्दू भी लिखते थे। उनका जन्म बनारस के निकट लंबी नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था ना। ये आपको 63 नंबर का जो पेज है उसमें आप निकाल लीजिए है ना। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास को एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 कहानियां लिखी। उसके अलावा 3 नाटक, 7 बार पुस्तकें भी जो है उन्होंने लिखी, जो हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। उनके उपन्यास गोदान को कालजयी क्लासिक रचना माना जाता है, यानी गोदान उपन्यास जो उनका जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ उस समय है ना। तो आज हम उनके द्वारा लिखित जो चैप्टर है गुल्ली डंडा वो पढ़ेंगे। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो धर्म जाति और पद प्रतिष्ठा है ये क्या होती है, आदि मनुष्य के बीच दीवार खड़ी करती है। क्या क्या, धर्म तेरा धर्म छोटा है मेरा धर्म बड़ा, जाति कि मेरी जाति तेरे जाति से बड़ी है। उसके बाद पद, अगर हम किसी पद पे पहुंच जाते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो तुम गरीब हो छोटे हो और मैं जो हूँ बड़े पद पर पहुंच गया हूँ। प्रतिष्ठा, अगर हमको किसी ने सम्मान दे दिया तो हम अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हैं और दूसरों को बहुत नीच या छोटा समझने लगते हैं। तो ये सब जो है धर्म जाति पद प्रतिष्ठा ये मनुष्य के बीच क्या करती है, दीवार खड़ी करती है। दूसरी बात, इस कहानी में लेखक और गया दो पात्र, एक लेखक है और एक गया नाम का जो व्यक्ति है वो दो पात्र है ना। उसके बाद ये जो लेखक है बाद में बचपन में लोग क्या करते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं ना। दोनों लेखक और उनका जो मित्र है गया, दोनों गुल्ली डंडा खेलते हैं। और उसके बाद में लेखक बड़े होने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं और गया जो है वो साइंटिस्ट बन जाता है ना। तो अब किस प्रकार इन दोनों के बीच में धर्म जाति पद प्रतिष्ठा जो आड़ आती है या बाधा देती है उसको हम कहानी में पढ़ेंगे है ना। तो आज जो है आपको मतलब होमवर्क में क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है मुंशी प्रेमचंद जी का। ये जीवन परिचय दिया है तो जीवन परिचय जो है उसको आपको पॉइंट के रूप में लिखना है। जैसे कि प्रेमचंद हिंदी उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक, वर्णन नहीं लिखना, एक के बाद एक पॉइंट लिखना, को याद करने में अच्छा रहता है। अब देखिए सबसे पहले हम पाठ का परिचय आपको बता दे रहे हैं। हम लोग जो पाठ स्टार्ट कब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम पाठ का परिचय बता दे रहे हैं कि गुल्ली डंडा आप लोगों ने खेला है नहीं खेला नहीं पता, मतलब एक डंडा रहता है लकड़ी का और छोटा सा वो भी लकड़ी का ही रहता है, तो उससे वो उसको मारा जाता है और ऐसा फेंका जाता है। जैसे कि अपन बॉल को फेंकते हैं क्रिकेट के लिए, वैसे ही गुल्ली डंडे को जो है ऐसे डंडा पकड़ के उसको मारा जाता है। दूर जितनी दूर जाती है ही उसका स्कोर क्या होता है, बढ़ता है। तो अब सबसे पहले बताइए आप लोग कि आपने कोई खेल खेला है, बहुत सारे खेल खेलते होंगे आप लोग घर में है ना। कभी गुल्ली डंडा तो अब जो है नहीं खेला जाता, आजकल के बच्चे क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह ज्यादा खेलते हैं, बास्केटबॉल है ना। अगर खेल ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा बताइए आप लोग, अगर हम खेल नहीं खेलेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, हमारी शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाएगा, मानसिक शक्ति नहीं होगी, बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा, आत्मिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको हमारे जीवन में जो है खेल खेलना बहुत जरूरी है। तो ये जो पार्ट है गुल्ली डंडा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अब आपको होमवर्क में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना है और एक बार चाहे तो आप लोग इस पार्ट को पढ़ के रख भी सकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको ये पार्ट पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। और टेस्ट की भी तैयारी कीजिए क्योंकि 3 तारीख के बाद आपका टेस्ट हो सकता है और अभी हम 5वें चैप्टर में भी आपको टेस्ट देंगे। धन्यवाद बच्चों।